हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक के बारे में और बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोनों में अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा नजर आ रहा है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो बने रहिएगा चैनल पर। हाय, दिस इज सर्वेश, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज एनी रिकमेंडेशन ना समझे इसको, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो रहेगा। आप लर्न करेंगे कैसे हम स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। दिस इज द ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अभी 80 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप तकरीबन 54,678 करोड़ की है। स्टॉक का पी 6.42 है और जबकि इंडस्ट्रीज का पी 11.7 है। तो इंडस्ट्रीज के पी से स्टॉक का पी काफी कम है, इसलिए मुझे डिस्काउंटेड लगता है। और खासकर आरओसी एंड आरओई की बात करते हैं, तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में आरओई सीई की बात नहीं करते, बैंकिंग सेक्टर में एंड एनबीएफसी सेक्टर में सिर्फ आरओई की बात करते हैं। आरओई अगर 10 से ऊपर है तो बेस्ट है और आरओसी की बात नहीं करते, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं लगाता है, बोरो करके ही एंड लेंडिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें खासकर यूनियन बैंक के बारे में, तो यूनियन बैंक में हम देखें तो जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं मार्च 2023 के, जून के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो मार्च के में जो रेवेन्यू हुआ है 22,163 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, विच इज हाईएस्ट एवर एक क्वार्टर का रेवेन्यू आया है। एंड अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1688 करोड़ माइनस में है, बट मुझे ऐसा लगता है एक दो क्वार्टर बीतने दो, ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट प्रॉफिट में आने लगेगा, प्लस में आने लगेगा इट मीन्स। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक क्वार्टर में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया है पिछले 12 क्वार्टर में, और मुझे लगता है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया एवर, 2812 करोड़ का इनका एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है, दैट इज आल्सो ग्रेट हियर। एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो जो रेवेन्यू आया है मार्च 23 के रिजल्ट्स में वो हाईएस्ट एवर आया है, 81,163 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो माइनस में 3,769 करोड़ है, विच इज ऑल्सो गुड फ्रॉम द, अगर हम रेवेन्यू के कंपेरिजन बात करते हैं तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है एक आध साल में ये सब चीजें टर्न अराउंड हो जाएंगी, सारी चीजें प्लस में आ जाएंगी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर, 8,512 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, इतना कभी नहीं आया है। लास्ट ईयर भी 5,265 आया था और उसके पहले भी 2863 आया था। तो कंपनी लगातार अच्छे से अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है। अगर हम मार्च 21 की बात करें तो वहां पर हाईएस्ट एवर था, मार्च 22 की बात करें तो वहां पर भी हाईएस्ट एवर था, और मार्च 23 की बात करें विच इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। तो यहां से यूनियन बैंक में एक अच्छा खासा पोटेंशियल नजर आ रहा है। अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक का स्टॉक अभी 80 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर मुझे दो पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल नजर आते हैं, दो, एक तो 96 रुपए के आसपास, दूसरा 150-142 के आसपास, 152 के आसपास। अगर हम अपसाइड पोटेंशियल देखें 96 रुपए का करंट प्राइस से, तो तकरीबन ये यहां से अगर हम देखेंगे ना, तो दिस विल बी अ 20 या मोर देन 20% का अपसाइड इस रेंज से नजर आता है। अगर आप इसको लेके चखेंगे तो 20% प्रॉफिट मिल सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिल सकता है। अपना रिस्क अपना ड्यूटिलेंस अवस करना, दिस इज ओनली फॉर मेकिंग एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। वन मोर थिंग इज दैट कि हम 152 के टारगेट के लिए अगर इसको ट्रेड करके चलते हैं, तो 152 का टारगेट में इसको मुझे मोर देन 90% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज शेयर के कंपनी के फाइनेंशियल हाईएस्ट एवर है, कंपनी के नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, कंपनी की अगर हम लोन बुक की बात करें तो लोन बुक इंक्रीज हो रही है और एनपीए कम हो रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर यूनियन बैंक के देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, जो इनके ग्रॉस एनपीए 12.64, 13.74, 14.74 मतलब में थे, अभी ग्रॉस एनपीए 50% रह गए हैं, मतलब ग्रॉस एनपीए 7.53 है और नेट एनपीए 1.70, जो कंपनी की बैलेंस शीट को काफी हेल्दी एंड अच्छा बनाते हैं। सो दिस वॉज द यूनियन बैंक के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर अभी 30.90 पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 26,824 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 16 है, इंडस्ट्रीज का पी 11.7 है। यहाँ पर आपको स्टॉक का पी ज़्यादा दिख रहा है, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, सेल्स इज हाईएस्ट एवर, दिस इज अ मेकिंग ग्रेट थिंग्स इन कंपनी, इन बोथ ऑफ द बैंक, इन गवर्नमेंट सेक्टर की, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काफी प्रेशर रहता है लोन का, वो भी फाइनेंस अच्छे अच्छे फाइनेंस कर रहे हैं और कंपनी की बैलेंस शीट एंड हेल्दी एंड कंपनी की जो भी कुछ है पूरा प्रोफाइल काफी ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफी फोकस है, गवर्नमेंट बैंक को एक
अच्छा बनाने के लिए। सो रेवेन्यू यहाँ पर 7171 करोड़ का आया है मार्च का, और खासकर अगर फ्राइजेंसिंग प्रॉफिट की बात करें विच इज ऑल्सो मेरे हिसाब से लोअर है 514 करोड़ माइनस में, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जून के रिजल्ट आएंगे इसमें ये सब चीज़ें पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगी। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 592 का नेट प्रॉफिट आया है, विच इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे ना 552 करोड़ का प्रॉफिट लाना एक क्वार्टर में, दैट इज ऑल्सो कंपनी को काफ़ी ग्रेट बनाता है। जो कंपनी के पास दिसंबर 2020 में ग्रॉस एनपीए 16.22 था और नेट एनपीए 4.71 था, वो भी घटकर होकर 8.41 हो गया है और नेट एनपीए 1.77 हो गया है। तो इतना काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू जो हाईएस्ट एवर है 25,657 करोड़ का, इतना रेवेन्यू पहले कभी नहीं जनरेट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे मार्च 2016 में दिख रहा है। पर मार्च 2016 का टाइम अलग था, उस समय एनपीए बहुत था इनके पास। बट अगर हम बात करें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, और खासकर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ 1,026 करोड़ यहाँ पे माइनस में, उस समय 4,430 करोड़ लॉस में था और कंपनी वॉज इन लॉस 2016 में। अभी कंपनी टर्न अराउंड है, कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में यहाँ पे 1,688 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, विच इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। पिछले 12-13 सालों में इतना प्रॉफिट नहीं आया है मेरे हिसाब से, कंपनी होल ऑफ द हिस्ट्री में कंपनी इतना प्रॉफिट कभी बुक नहीं किया है। और अगर हम बात देखें तो मार्च 2022 में 1,083 करोड़ आया, फिर उसके बाद 1,688 करोड़, तो कंपनी इज ऑन नाइट ट्रैक। सो मेरे हिसाब से ये चीजें अच्छी बनाती हैं कंपनी को। एंड अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अभी 30 रुपीज के आसपास यहाँ से ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल में भी यहाँ पे दो टारगेट मुझे नजर आते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 42 रुपीज के आसपास, दैट विल बी मोर देन 30% यहाँ से रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, 36% आता हुआ दिख रहा है। इस करंट प्राइस से यहाँ से लेके चलते हैं तो 36% प्रॉफिट आ सकता है। सो एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छा खासा मूव नजर आ रहा है, विच इज मोर देन 100%, दैट इज 130% के आसपास यहाँ से रिटर्न आता हुआ दिख रहा है 70 रुपीज के आसपास। सो कंपनी की सारी कुछ अच्छी है, बैलेंस शीट गुड है, कंपनी हेल्दी नेट प्रॉफिट आ रहे हैं और कंपनी हाईएस्ट एवर रिजल्ट पोस्ट कर रही है। सो बहुत कंपनियों में मुझे काफी अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। दिस वीडियो इज मेकिंग ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, इसके डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक में जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। आई विल प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से चेक इट आउट कर सकते हैं। सो ये वीडियो था ओनली गवर्नमेंट बैंक के बारे में, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, आई विल मेक द वीडियो फॉर दिल उसके लिए भी। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।